Hey guys, what's up? Welcome to Tech & Toolfare. आज की वीडियो में हम लोग MI 11s का रिव्यू करने वाले हैं, जिसको मैं लास्ट 2 इयर्स से यूज कर रहा हूं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो में सबसे पहले अगर हम लुक्स के बारे में बात करें, तो इस फ़ोन के जो लुक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। फ़ोन आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है, फिर बेशक ये फ़ोन 30,000 के अंदर हो, लेकिन ये फ़ोन देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये फ़ोन में हाथ में बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पीछे की तरफ इसमें आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलती है और साइड में आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, जिसमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा जल्दी आने लग जाते हैं, और साइड में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। डिस्प्ले के ऊपर ही आपको यहाँ पर अभी इस फ़ोन की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस आती हैं। फ़ोन के अंदर आपको एक 6.67 Hz की FHD डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। आपको इस फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 4520mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वो भी 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। पहले अगर हम आउटर लुक्स के बारे में बात कर ले, तो इसमें आपको पीछे की तरफ एक ग्लास बैक देखने को मिलती है, प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, और साइड में आपको वॉल्यूम बटन्स और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। बॉटम की साइड पे आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, स्पीकर देखने को मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको एक स्पीकर और एयर ब्लास्टर देखने को मिलता है। फोन के डेप्थ के अंदर चल के अगर हम सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इसमें आपको एक FHD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 6.67 इंच की है, सुपर एमोलेड है, तो आपको फोन में आपको कभी कलर्स की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एमोलेड डिस्प्ले तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। 120Hz रिफ्रेश रेट की ये डिस्प्ले है, तो आपको स्क्रीन रोलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप गेमिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अच्छी खासी स्मूथ आपकी गेम्स वगैरह चलेगी, एकदम स्मूथ है डिस्प्ले। सेकंड थिंग, अगर हम इसके कैमरा के बारे में बात करें, तो इसमें आपको एक ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, और एक मैक्रो कैमरा मिलता है जो कि 5 मेगापिक्सल। प्राइमरी कैमरा के बारे में बात करूं, तो प्राइमरी कैमरा की जो फोटोज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, कलर थोड़े बूस्टेड होते हैं, लेकिन पिक्चर एकदम सोशल मीडिया के लाइक होती है। अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में बात करूं, तो ये आपको थोड़े कलर्स जो है वो थोड़े से बूस्टेड देता है, बट इमेज जो है वो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती जाती है। और इसके मैक्रो कैमरा के बारे में बात करूं, तो जितने भी मैंने मैक्रो कैमरा वाले फ़ोन देखे, मुझे इस फ़ोन का मैक्रो लेंस आज तक का सबसे बढ़िया लगा। इसमें आपको एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, जो कि फ़ोटोज़ की डिटेल्स बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। वीडियो के बारे में बात करें, तो इसमें आपको पीछे की तरफ 4K 30fps लार्ज देखने को मिलती है, और फ्रंट में आपको 1080p 30fps लार्ज देखने को मिलती है। वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, और इसमें आपको कैमरा में अलग अलग फीचर्स देखने को मिल, जैसे सिनेमैटिक मोड, व्लॉगिंग मोड, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे मोड इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले पे आपको कुछ सैंपल्स दिख रहे होंगे, जो कि इसी फ़ोन से खींचे हुए हैं फोटोज़ के। थर्ड थिंग्स, अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो इसमें आपको एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल लैग फ्री है, स्मूथ है, और ये आज तक का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की तरफ से है, जिसमें आपको कोई हीटिंग इशू नहीं देखने को मिलते, जैसे कि आपको 888 में हीटिंग इशूज़ देखने को मिलते हैं, पर इस प्रोसेसर के अंदर आपको कोई भी हीटिंग इशूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। इवन इस प्रोसेसर को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, फिर भी इसकी परफॉर्मेंस में कोई डाउनफॉल अभी तक नहीं आया। आप इसमें चाहे अच्छी गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और फोटोज़ भी अच्छी खासी खींच सकते हो, क्योंकि प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो आपको इसमें परफॉर्मेंस के वाइज तो कोई इशू आने वाला नहीं है। और अब अगर हम इसके परफॉर्मेंस के बाद अगर बैटरी के बारे में बात करें, तो इसमें आपको एक 4520mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपका एक दिन आराम से निकाल लेगी। इसमें आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, आप आराम से अपना एक दिन इस फ़ोन के साथ निकाल लोगे बिना किसी प्रॉब्लम को फेस करे हुए, आप अच्छा खासा स्क्रीन ऑन टाइम निकाल पाओगे फ़ोन के साथ। और अब अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ, तो इसके UI को मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका UI वैसे मतलब एक्सपीरियंस में तो बहुत सही है, और फीचर्स भी हमें इसमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बट ये UI कभी कभी बहुत सारे बग्स के साथ आता है। MIUI बहुत सारे बग्स के साथ चलता है, जैसे मेरे को इस फ़ोन के अंदर जो बग स्टार्टिंग से फेस करना पड़ रहा है वो है नोटिफिकेशंस का। कभी कभी किसी चीज़ की नोटिफिकेशंस आएगी ही नहीं, जैसे आपको ईमेल की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको इसमें नहीं देखने को मिलती। अब या तो ये मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम है, या तो फिर ये UI का बग है, ये मुझे नहीं पता, बट मैंने इस प्रॉब्लम को पिछले 2 साल में फेस किया है, तो इसके UI से मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था। और अगर वैसे बात कर ले अपडेट्स के बारे में, तो इसमें आपको टोटल 3 साल का सिक्योरिटी, 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता था। करेंटली ये फॉर एंड्रॉयड 13 और MIUI 14 पे वर्क कर रहा है, और ये फ़ोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 11 पे। ये तो थी इसकी रिव्यू और इसकी कुछ बातें जो मेरे को मतलब अच्छी लगी थी। अब अगर मैं मेरा कंक्लूजन दूँ इस फ़ोन के बारे में, तो जब से मैं इस फ़ोन को स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ,
मुझे आज तक किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई एक्सेप्ट यूआई, क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ नोटिफिकेशंस के बग्स देखने को मिले और कभी कभी मुझे किसी किसी एप्लीकेशन से बग्स देखने को मिलते थे। पर अगर आज भी अगर कोई इस फ़ोन को बाइक करना चाहे तो उसे बाइक कर सकता है कि नहीं? ये फ़ोन 5G पे आता है, बट एक इसका भी कौन वो डिमेरिट है कि इसमें सिर्फ आपको दो बैंड्स देखने को मिलते हैं 5G के। बट अगर जैसे इंडिया में भी प्रॉपर 5G आया नहीं है, तो अगर आप इस फ़ोन को बाइक करना चाहते हैं आज भी, तो आप इसे बाइक कर सकते हैं। बट इस सेगमेंट में आपको बहुत सारे नए नए फ़ोन्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ऐसी परफॉर्मेंस आपको उन फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप एक परफॉर्मेंस के लिए अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हो, तो आप MI 11X की तरफ जा सकते हैं। होप गाइस आपको आज वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।